तो भाई बीजेपी का प्रत्याशी तुम्हें कम दमदार लग रहा है क्या? इन सब दमदार किसी को भी चुनौती नहीं मानते, अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोले कि हमारी किस को कौन हमको चुनौती दे रहा है? अभी भाजपा को कोई चुनौती देने वाला मैदान नहीं। आप देख रहे हैं रुड़की हब, चुनावी माहौल गर्म है, सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं मैदान में और यहां पर आज भाजपा का रोड शो हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से प्रत्याशी हैं, भव्य रोड शो देखिए आप किया जा रहा है। सूर्यकांत सैनी जी हैं, पूर्व में विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इतना बढ़िया माहौल बनना है? अब की बार 400 बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इस बार एक तरफा मोदी जी की लहर है, किसी के भी सिस्टम पिस्टम सब फैल, सिर्फ धुआं ही धुआं उड़ा उड़ता हुआ नजर दे रहा है बीजेपी का। और ये क्या कहना चाहेंगे अपना भव्य रोड शो निकाला जा रहा है लखनऊ में, फिर बाद में कहेंगे बात, अभी तो खुशी में खुशी में बोलना जाना खुशी में। साथ है भाजपा के साथ है? हाँ, अरे साथ बता देगा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, क्या मुद्दा है आपके पास? मैं पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ भाजपा का। क्या मुद्दे किन मुद्दों के साथ चुनाव? और भाई साहब ठीक हो? किन मुद्दों के साथ चुनाव होते हैं इस बार, मुद्दे क्या है चुनाव के? जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है पारदर्शिता, जो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के साथ जो मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, उन योजनाओं को जमीन पे उतारा, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट कर रही है, जनता में उत्साह बहुत है। और हरिद्वार की लोकसभा का तो वनसाइड चुनाव है, 400 बार हो जाएगा, 400 से भी अमल होगा। तो भी स्वागत क्या है रोड से में, त्रिवेंद्र जी का क्या कहना चाहेंगे आप? त्रिवेंद्र रावत जी को लक्ष्य ट्रैक यूनियन ने पूरी तरह समर्थन दिया है आज और हम सब साथ हैं। ऐसे कौन से कार्य जिनसे प्रभावित हुए हैं? ऐसे कौन से कार्य, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी। और हम उससे प्रभावित हैं और बीजेपी को हमें वोट करेंगे। ट्रक यूनियन के लिए कुछ खास किया है? ट्रक यूनियन के लिए जब हमारा कोई काम हुआ तो किया भी इन्होंने, ऐसा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आज आपने स्वागत किया? हमने पूरे अपने ट्रक यूनियन उसके मेंबर सब ने समर्थन करा त्रिवेंद्र रावत जी का, अच्छा कार्य करा जब मुख्यमंत्री थे जी। और आगे भी उम्मीद है अच्छा ही कार्य करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले चुनाव में क्या आपको चाहिए मोदी सरकार? मोदी सरकार पहले अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करती आएगी, सबका साथ हो रहा सबका विकास हो रहा। क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और लक्ष्य ट्रक यूनियन का फुल सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। और अपने पूर्व कार्यकाल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस समय भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्यकाल किए, हम उम्मीद यही करेंगे कि ये भारी मतों से विजयी हों और जय भाजपा तय भाजपा। जी भाई जी कुछ कहना चाहेंगे आप? स्वागत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ स्वागत, बड़ी भारी मतों से जीत रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी। रोड शो लक्सर में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं चुनाव? बहुत बढ़िया है, हमारी तरफ से तो अच्छा ही अच्छा है और जिनके साथ में कमल का फूल है उनके साथ में हमें। क्या उपलब्धि मानते हैं मोदी सरकार की, तीसरी बार भी बार सरकार बनाए? बिल्कुल बनाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और आप देख रहे हो आसपास, देखो कितनी गाड़ियां हैं कितने लोग हैं, सबको आपको पता ही चल रहा होगा धरातल पे क्या स्थिति है, वो यहाँ से पता चल जाएगी आपको। महिलाओं के लिए क्या योजना लागू हुई है जिससे आप खुश हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है? कोई योजना हो या ना हो, हम मोदी जी से वैसे ही खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें बाहर निकलने की आज़ादी दी है ना, क्योंकि मैं खुद भी शिवालिक नगर से आई हूँ हरिद्वार से, बहुत अच्छा लगता है काम करके, तो महिलाओं के लिए तो वो सर्वोपरि है हमारे लिए।
क्या कहना चाहेंगे इतना भव्य रोड शो? बहुत अच्छा रोड शो हो रहा है हमारा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। और 400 पार मोदी सरकार, 400 पार हो जाएंगे पक्का, वोट देंगे। चुनौती जो आपके सामने आ रही है, किसानों का मुद्दा है, ड्रेनेज सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात है अवैध खनन को लेकर, किस तरह चुनौती से निपटेगी और खासकर आपकी पार्टी? और देखिए किसानों के जो चारों संगठन हैं उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसान मेरे साथ में है। हमने किसानों के लिए बिना ब्याज के ऋण योजना ये हमने किसानों के लिए प्रारंभ की, किसानों ने उसका लाभ उठाया, वो कर्ज से बचे। दूसरी बात, जो किसान हैं उनके जो संगठन है मैंने बताया कि वो सब हमको सहयोग कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, कई जो निर्दलीय विधायक जो है प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के सामने बसपा और कांग्रेस दोनों ने जो है अपने दमदार जो प्रत्याशी वो उतारे हैं, आप इनसे किस तरह से जो है जीत हासिल करने की कोशिश करें? क्या तो भाई बीजेपी का प्रत्याशी तुम्हें कम दमदार लग रहा है क्या? जी नहीं, इन सब दमदार इस तरह के दमदारों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। हम किसी को भी चुनौती नहीं मानते, अभी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या बोले कि हमारे किस को कौन हमको चुनौती दे रहा है? अभी भाजपा को कोई चुनौती देने वाला मैदान में नहीं है। किसानों के बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं आपके आने के बाद और आपकी सरकार में। कोई देखिए, यहाँ पर किसानों की एक समस्या जरूर हुई है जो आपदा के कारण हुई, अधिक वर्षा के कारण हुई है, और उसका समाधान निकाला जाएगा भविष्य में। इकबालपुर शुगर मिल बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जो पैसा उसको दिया गया था ऋण के रूप में उसको भी लौटा रही है, और किसानों को समय पर पैसा दे रही है। सर, हरिद्वार लोकसभा जो है किसानों से तो किसान संबंधित लोकसभा है, लेकिन पिछले कई सालों से एक समस्या ऐसी बनी हुई है जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। खानपुर विधानसभा में जो है नीलधारा तटबंध टूटा हुआ है, जिसकी देखिए मैंने कहा ना किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। किसान के बगैर शहर विकसित नहीं हो सकते हैं। अगर हम शहर और गांव में किसान रहता है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसान को हमको मजबूत करना होगा। हमने पहले मैंने बताया कि हमने किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने का काम अगर किसी राज्य ने किया तो उत्तराखंड ने किया है। आज किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है, हम किसानों के साथ 24 घंटे खड़े हैं। देखिए आचार संहिता, इस समय आचार संहिता है, और मुझे ध्यान है कि जो किसानों ने मुझसे मांग किया था सरचार्ज माफ करने का, मैंने उसको माफ किया था, और अभी आचार संहिता के कारण कोई दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा।